रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यू हो गया मैं तू ही तू रंग तूने कैसा है चाहाया सुन यारा सुन यारा क्या बेटा क्या हुआ है क्या हुआ है वैसे क्या हुआ है बेटा तुम बता क्यों नहीं रही हो हुआ क्या है अंदर ही अंदर रिश्ते तय हो गए और हमें कानों कान खबर तक नहीं हुई आने दो सैफी को पूछती हूँ उससे कि इतने ऊंचे इज्जतदार खानदान वालों को क्या हक पहुंचता था हमारी इज्जत के साथ खेलने का अरे मेरे बेटे की इज्जत दो घोड़े की करके रख दी है तुम लोगों ने अगर हिना और आफाक की शादी तय नहीं हुई होती तो वो चुप कर जाओ बंद कर दो ये नाटक मैंने नहीं सुननी और तुम्हारी कोई भी बकवास मतलब मोहित की फिक्र नहीं तो मेरी ही फिक्र कर लो ना मेरी इज्जत की फिक्र कर लो सुन यारा भाई सही तो कह रहा है मेरा बेटा इसकी भी कोई इज्जत है इसलिए तो इतना गुस्सा कर रहा है अच्छा है माँ उसका असली चेहरा देख रहा है सैफी और मैं तो ऐवी बकची ये सब क्या हो रहा है माँ सैफी भाई को भाभी पर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है ये सारे मामलात में उनका तो कोई कसूर नहीं है फैसला तो उनके महके वालों का था अरे बेटा तुम तो सैफी के जज्बातीपन को जानते हो ना उसने कौन सा सुन नहीं है मेरी बात लेकिन माँ ये तो ज्यादती है ना भाभी को इस तरह टेंशन देना कुछ ठीक नहीं है माँ ये सब तो नसीब की बात है ना अरे नसीब से क्या होता है भाभी को हमें बताना चाहिए था कि उनकी भांजी साहिबा का रिश्ता अंदर ही अंदर तय हो चुका है बेकार की बात है सब आपा ये पहले बताते या बाद में बताते उससे क्या फर्क पड़ता है उनकी बेटी है वो माँ उनकी मर्जी वो दे या ना दे इस पे कोई जबरदस्ती तो नहीं है ये आ गया एक और उसका हमदर्द दादू थक गई है ना आप सारी रात से रो रही हैं जाग रही हैं आप प्लीज घर जाके आराम कर ले थक तो तुम भी गई हो रात भर रोती रही हो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ बस हसद जाग जाए तो फिर कुछ तसल्ली होगी मुझे पता नहीं दादो पापा कब उठेंगे उठ जाएंगे बेटा यही बहुत है कि डॉक्टर ने कहा है कि खतरे से बाहर है दादो मुझे लगता है तायर अंकल झूठ बोल रहे हैं ये कोई माइनर हार्ट अटैक नहीं था दादो सारी रात से पापा आईसीयू में थे ये हमें कहीं बहला तो नहीं रहना सिर्फ बेटा अगर तुम इतना सोचती रहोगी रोती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा दादू मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है रुक बात नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा अस्सलाम वालेकुम खाला थैंक गॉड आप आ गए पापा पता नहीं कब उठेंगे तलाल बेटा तुम बताओ ना असद का क्या हाल है खाला आप बाहर आइए मेरी बात सुनिए मैं आपको बताता हूँ
आओ बेटा। मेरी डॉक्टर नमान से इस बारे में तफसीली बात हुई है, मैंने खुद रिपोर्ट्स भी चेक किए हैं। आप फिक्र मत करें, सब ठीक है, आधे घंटे में जाग जाएंगे। बेटा तुम आ गए हो ना तो मुझे कुछ तसल्ली हुई है। असल तो बहुत लापरवाह है अपनी सेहत के बारे में। फिक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। रोशाना, खाला को लेकर घर चली जाओ, मैं यहीं पे उनके पास। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक के पापा को होश नहीं आ जाता मैं यहीं रहूंगी उनके साथ। असद के पास तलाल है ना बेटा, चलो तुम कुछ देर आराम कर लो। उन्हें जागने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, फिर चलो बेटा। वैसे तलाल डॉक्टर क्या कह रहे हैं? खाला वो ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, उस डॉक्टर ने ये कहा है कि उन्हें तंग ना किया जाए। डॉक्टर क्या जाने इन लोगों के कौन से एहसासात और जज्बात होते हैं दादू, इनकी तो कोई अपनी जबान होती है, डॉक्टरी जबान। डॉक्टर्स के पास भी एहसासात और जज्बात होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें जज्बात कंट्रोल करना आता है। चले दादी। एक मिनट, में अपना बटवा तो ले आऊं बेटा। चलो आओ बेटा, ख्याल रखना। जी, खुदा हाफिज़। आज नाश्ता कर लें। नहीं नहीं, तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। लो, कसूर किसी और का और सजा अपने पेट को। ए नाश्ता कर लो, कौन सा किसी पे आँच आ जानी है, जितना भी खून जला लो। भाई यहाँ किसी को क्या फर्क पड़ता है, मैं जितना मर्जी अपना खून जला लूं। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। दिल की तह में जख्म छुपे हैं, कदमों तले सब रास्ते रुके हैं, खुशियों के साए सर से उठे हैं, सजदों में आंसू सारे झुके हैं, रंग तूने कैसा है चढ़ाया। तुम तो बहुत ही आम से आदमी निकले सैफ, औरत को समझने के लिए किसी मुश्किल और राग डिक्शनरी की जरूरत नहीं होती, फकत एहसास की होती है। पूरे मेके की इज्जत का बोझ उसके एक कंधे पर होता है, तो दूसरे कंधे पर ससुराल की लाज। और ऐसे में अगर संगी साथी भी रिवायती संवर्द हो तो जिंदगी लड़खड़ा जाती है, कदम उखड़ने लगते हैं। हाँ बोलो, क्या बात है, क्यों कॉल कर रही हो? सैफ इतना मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं आप? लाली मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत खराब है, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। सैफ मेरी बात तो सुने। हेलो,
बहुत खूब, हमें यहाँ कानो कान खबर ना हुई और वो मुख्तर पहुंच के कूचा दिलदार में रातों रात। आह सीखे हैं महबूब के लिए डॉक्टरी, आह सीखे हैं महबूब के लिए डॉक्टरी, कुछ तो बाहर सूरत मुलाकात चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया। क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो? ये तो शुक्र है कि असद की हालत संभल गई, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। और तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है। मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ अम्मा हुजूर, मैं तो हैरत का इजहार कर रहा हूँ। आपके अड़ियल सबूत रातों रात पिंडी पहुँच गए, वो भी फ्लाइट पकड़ कर। तो जाएगा नहीं, सगा है, कोई गैर तो नहीं है। हाँ हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, सर के बल जाएंगे। पता आमना आपा बता रही थी कि उसके आने से उनको बहुत ढारस हो गई है, वरना रोशनी ने तो रो रो के बुरा हाल कर दिया था। बेचारे की माँ तो है नहीं, एक बाप ही है, अल्लाह उसे सलामत रखे। भाई मैंने तो सोच लिया है, लाली की खुशी से मैं फारिग हो जाऊँ तो मैं तलाल और रोशनी की रिश्ते की बात करने खुद जाऊंगी असद भाई के पास। क्या चाची नानू, ना मजा आएगा ना? अरे हाँ मुझे याद आया, लाली से तो फोन पे मेरी बात ही नहीं हुई, ना ही उसका फोन आया। जरा फोन तो मिलाओ, और जब से उसकी सास गई है ना मुझे तो हॉल उठ रहे हैं। हाँ अम्मी, हिना बता रही थी उस दिन लाली की सास का रद्देमल बहुत बुरा था, आपको बात करनी चाहिए थी। मैं बात करवाता हूँ। मियाँ तुम तो रहने ही दो, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ, यहाँ तो छोटी छोटी बात का भी बतंगड़ बन जाता है। और वैसे भी तुम अगर फोन करोगे ना तो एक नया शगुफा खिल उठेगा। अम्मी बेटी दी है हमने, कोई सर काट के नहीं दे दिया, एक तो पहली को देके पछता रहे, अब दूसरी भी मांगने चले आए। बिल्कुल ठीक कह रहे खुदा मामू। वैसे अम्मी अगर रिश्ता हो जाता तो कोई बुरी बात नहीं थी, बेचारे आफाक की भी जान छूट जाती और खुश हो जाता, जान बची सो लाखों पाए। अच्छा तो आपकी शादी करा देते ना हम वो तानिया से, फिर तो रिश्ता और अच्छा हो जाएगा ना। हाय ये ढोल तो मैं खुशी खुशी अपने गले में बांध, लेकिन क्या है ना, बच्ची डॉक्टर साहब पर फिदा हो चुकी है और मैं किसी की मोहब्बत पर डाका डालने का कायल नहीं हूँ। ना ना। हाँ बड़े आया। क्या फजूल किस्म की तुम लोग बातें लेके बैठ गए हो, तुम लोगों को तो बस मौका चाहिए, जरा लाली का फोन मिलाओ, उससे बात करो। मैं तो मामूली तबीयत की खराबी समझ रही थी, आपने मुझसे क्यों छुपाया? ये मामूली सी ही तो तबीयत खराब थी, तभी तो देखो ठीक होकर घर नहीं आ गया। आपके दिल के तो वाल्व बंद हैं, ये मामूली तबीयत की खराबी है। कम से कम आपको तो मुझे बताना चाहिए था ना। अगर मैं आपको बर वक्त बताता तो आप क्या कर लेते? मैं बेटी हूं, मेरी नॉलेज में ये सारी बातें होनी चाहिए। बिल्कुल, नॉलेज में आ जाने का नतीजा भी देख रहे हैं। मैं रो नहीं रही हूं, परेशान हूं। तलाल, मेरी बेटी बहुत बहादुर और बहुत समझदार है। अरे इसे देख देख कर ही तो जी रहा हूं। लेकिन बहादुर लोग ऐसे रोते तो नहीं हैं। क्या बहादुर लोग इंसान नहीं होते? उनके सीने में दिल नहीं होता? बिल्कुल, बहादुर भी इंसान होते हैं और बुजदिल भी, और यही फर्क होता है दोनों में कि बहादुर लोग अपने एहसास पर कंट्रोल रखते हैं और बुजदिल लोग हिम्मत हार जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। पर शायद मैं बुजदिल ही कमजोर पड़ जाने वाली। ये रोशनी को क्या हुआ है, ऐसे उठ के क्यों चली गई? बस अम्मी लाओ इधर रख दो। लो बेटा तुम्हारे लिए चाय बनाई है, सुबह से तुम भी कदमों पर खड़े रहो। और ये लो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सूप बना कर लाई हूं मैं। Thank you.
सैफी, मेरा सिर्फ इतना ही कसूर है ना कि मैंने ये बात आपसे और माँ से की नहीं। मैंने वाकई बहुत बार कोशिश की थी कि मैं आपको आके बता दूं सब कुछ, पर हर दफा ही मेरी हिम्मत टूट गई। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? देखिए, हमारी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाए इसका इख्तियार इंसान के हाथ में नहीं है, और वैसे भी अगर हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तभी हमें अल्लाह ताला की असल हकीकत का पता चलता है और तभी हम उनसे करीब भी होते हैं। आपकी नाराजगी मुझे अंदर ही अंदर से खा रही है सैफी। औरत के लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे बात कोई भी नहीं होती है कि उसका शौहर उसको मुजरिम समझता हो जबकि उसने कुछ किया भी नहीं हो। लाली, तुम्हें पता है मैं कितना हर्ट हूं। कम से कम अपने दामाद की ही इज्जत का ख्याल कर लेती तो। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन जोड़े आसमानों पर बनते हैं, जमीन पर रहने वाले लोग तो सिर्फ मोहरे होते हैं। आप फर्ज करें अगर हम इज्जत के नाम पे जबरदस्ती शादी करवा भी देते मोहिब से हिना की, तो क्या वो आपस में खुश रह पाते? एक लड़की बचपन से एक लड़के का ख्याल लेके बड़ी होती है, आपको क्या लगता है एक शादी से करते ही उसके दिमाग से निकल जाएगा सब कुछ? नहीं निकलता, और ना ही वो ऐसे खुश रह सकती थी मोहिब के साथ, और जाहिर है वो खुश नहीं होती तो मोहिब भी खुश नहीं होता। माँ को भी अब बनाना बहुत मुश्किल होगा। मोहित भी कल रवाना होने वाला है। इतनी जल्दी क्यों? पता नहीं, कंपनी से कोई फोन आया था कि अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो इमरजेंसी में सारे एम्प्लॉइज को वापस बुला लें। अच्छा, और माँ का तो ख्याल है कि वो दिल बर्दाश्त होकर जा रहे हैं। आप उनकी फिक्र ना करें, उनको मैं वादा मना लूंगी। पहले अपने मियाँ को तो मना। क्या करूं मैं, मियाँ मान ही नहीं रहे मेरे तो। अरे भाई, मनाने के 101 तरीके होते हैं, आप उन पर अमल करके तो देखें। अच्छा, तुमने कुछ खाया? खफा थे आप मुझसे, कैसे खा सकती थी मैं कुछ भी? अरे मैं तो ऑफिस में कुछ ना कुछ खा ही लेता हूँ, लेकिन तुम्हें इस कंडीशन में भूखा नहीं रहना चाहिए। ऐसा करते हैं, तुम फटाफट तैयार हो जाओ अच्छे से, कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। नहीं नहीं, बाहर रहने दे, माँ पहले इतने गुस्से में ऐसे एक हंगामा खड़ा हो जाएगा घर पे। अरे अम्मा सो गई हैं, चुपचाप निकल जाएंगी, उनको पता भी नहीं लगेगा। चलो जाओ, रेडी हो। अच्छा जल्दी जाओ, माँ उठ गई तो फिर नहीं जा सकेंगे, जल्दी करो जाओ ना वरना उठ जाएंगे। किधर जा रहे हैं दोनों? वैसे ही चक्कर लगाने के लिए। अम्मा सो गई? हाँ हाँ, कब की सो गई। चलो तो तानिया तुम भी चले चलो साथ, अगर मूड है तो। हाँ सही है, ठीक है। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो घर रहो, वरना माँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी। चले आप तो चले।
पूरे दो दिन बाद तुम्हारे सामने बैठ के खाना खा रहा हूं, बल्कि आज ही ढंग से खाने को मिला। आपके ना मिजाज की मुझे समझ में नहीं आती है, बिल्कुल धूप छांव की तरह है। जब धूप होती है ना तो ऐसे लगता है कि छांव का तो नामो निशान भी नहीं है आसपास कहीं। भाई अच्छी बीवी की निशानी ये है कि वो अपने शौहर के मिजाज के हर मौसम को समझे। अच्छा, और अच्छे शौहर की क्या निशानी है? कि वो अपनी बीवी से रोमांस करे, उसके लाड उठाए, उसको सताए और फिर उसको मनाए। अच्छा जी, इतना प्यारा है ना राजू। वैसे लाली सोचो कुछ अरसे में हमारे दरमियान भी ऐसा ही एक प्यारा सा बच्चा होगा। मैंने तो बहुत प्यारे प्यारे नाम सोच रखे हैं। सुनिए, अब जल्दी करते हैं, अम्मा जाग गई तो पिट जाएंगे। अच्छा तुम अपने मैके वालों से कह देना कि वो माँ को फोन करके माफी मांग ले। मोहिब जाने वाला है तो खैर खैरियत के बहाने से ही फोन करके तो माँ से एक दफा माफी मांग लेनी चाहिए। माफी? हाँ ये जरूरी है इधर का माहौल साजगार करने के लिए। माँ का दिल बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है, ये तो आप जनाब की मोहब्बत में हमने दरगुजर कर दिया। लेकिन उनको मनाना भी जरूरी है, तुम समझ रही हो ना मेरी बात? तुम्हें तो मेरे जाने से तसल्ली होगी शायद। जी नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। जरूरी नहीं कि हर बात कही जाए। जी जरूरी नहीं कि हर बात कही जाए। आज आप हमारे गरीब खाने में आए, हमारे घर को तो रौनक बख्श दी। वो क्या कहते हैं, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है। सुन यारा। दादी वो मैंने सूप चढ़ा दिया। अच्छा, अरे दलाल के लिए कॉफी तो बनाओ जल्दी से। कॉफी नहीं, चाय। अच्छा चलो चाय बना दो, और सूप के ऊपर नजर रखना, जो ही तैयार हो जाए असद को देना है। दादी उसमें बहुत तेज उबाल आ रहे हैं, आप आके देख लें। अच्छा मैं आती हूँ। देखो दलाल, यहाँ के तो मौसम का पता ही नहीं चलता, अभी धूप निकली हुई थी और अब देखो कैसी तेज बारिश हो रही है। मैं जरा सूप देख लूँ। कहते हैं कि दिल फरेब धुन लकों की तरह खुद फरामोशी चाहे जितनी भी चार्मिंग क्यों ना, लेकिन दायमी नहीं होनी चाहिए। क्या डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से? शायराना पॉइंट ऑफ व्यू। चले, इसका मतलब मौसम का असर आप पे भी हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान की तरह मौसम का असर मुझ पे भी हो सकता है। मैं कोई खलाई मखलूक नहीं हूँ, इंसान हूँ। और तुम इतनी ज्यादा भीग चुकी हो। प्लीज अब ये मत कह दीजिएगा कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये खतरनाक है। बिल्कुल कहूंगा,
ये वाकई खतरनाक है। चलो अंदर आओ, चेंज करो। मुझे कुछ नहीं होता, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। लेकिन तुमने तो इतराफ किया था कि तुम बुजदिल हो, या शायद तुम्हारा इतराफ जज्बात और एहसास के मामले में था। एनीवेज अंदर आओ और चेंज करो। मुझे कुछ नहीं होगा, आप आए ना प्लीज। अरे अरे देखो, बिल्कुल भीग गई हो। चलो अंदर आओ, बीमार हो जाओगी। कोई बीमार शिमार नहीं पड़ती दादी, मैं लोग जितना कमजोर समझते हैं ना, उतनी कमजोर नहीं हूँ मैं। पागल हो गई हो क्या? चलो आके कपड़े बदलो, सुखाओ अपने को, असद बुला रहा है। ओहो दादी, क्या सारा मजा खराब कर दिया। ओह इतनी अच्छी बारिश। अच्छा आती हूँ। ये लड़की बिना किसी की नहीं सुनती है। हालत देखो अपनी, बीमार पड़ जाओगी। कभी बारिश में नहाए हो तो पता चले ना कि बारिश में नहाने का मजा क्या होता है। सड़ू रोशी बीबी, वो जी तलाल साहब ने ये दवा दी है, वो कह रहे हैं दो गोली अभी खा लें, दो गोली सुबह नाश्ते के बाद। तलाल साहब से जाके कहो कि रोशी बीबी बिल्कुल ठीक है। जी अच्छा। सुनो इतने तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। जितनी कमजोर दिखती हो ना तलाल सिकंदर, उतनी कमजोर हूं नहीं मैं। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। किसका फोन था नानो? लाली का फोन था। एक तो उसके सास के मिजाज का कुछ पता नहीं चलता। लाली भले से कुछ ना कहे, लेकिन मैं माँ हूँ, महसूस कर सकती हूँ उसकी आवाज़ से। ऐसी कोई भी बात नहीं है नानो, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। बेटा जैसे सैफ और लाली की सास मोहिब के रिश्ते के इनकार पर बरहम होकर गई है ना, मैं तो सचमुच उसी दिन से बहुत परेशान हूँ। सैफी भाई बहुत अच्छे हैं, वो सब संभाल लेंगे। बेटा उसकी तो आंखें वैसे ही माथे पे चढ़ी हुई होती हैं, 100 बल पड़े हुए थे उसके, वो कहाँ संभालेगा ये सब कुछ। अरे हाँ बेटा, वो तलाल आए ना तो उसे कहो कि मेरे साथ चले लाली के ससुराल, कोई तोहफे वगैरह दूंगी तो शायद उसकी सास का मूड ठीक हो जाए। जी तलाल के आने से ना मुझे बहुत तसल्ली हो गई है, सच मानो तो जैसे धारस ही मिली है मुझे। वैसे अम्मी, राफे खाला के बच्चे तो बहुत समझदार हैं, मुझे बस लाल रुख की शादी में न जाने का बहुत अफसोस हो रहा है। चलो अल्लाह और खुशियां दिखाएगा। अच्छा ये तलाल आज जा रहा है क्या? हाँ। अरे ये क्या, तुम्हें तो लगता जुकाम हो गया। मैं इसीलिए रोशी को भी मना करती हूँ कि शाम की बारिश में मत भीगे। खाला मैं कहाँ भीगा था बारिश में। तबीयत कैसी आपकी? अरे तुम्हें तो अच्छा खासा जुकाम हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए जुशांदा बनाकर लाती हूँ। दादो इन्हें जुशांदे की नहीं दवाई की जरूरत है, दो गोली सुबह दो शाम, जरूरी नहीं जो हमेशा बहादुर हो कभी कमजोर ना पड़े। शायद तुम ठीक कहती हो। ऐसे कैसे सफर करोगे तुम, एक दिन रुक जाओ और ये लो चाय पियो। नहीं खाला, ये मामूली सा जुकाम मेरा क्या बिगाड़ेगा। मोजे पहनने से पहले तलवों में हल्का सा बाम लगा लेना, उससे आराम मिलता है और छींके भी बंद हो जाती हैं। दादो ऐसे टोट के डॉक्टर हजरत अप्लाई नहीं करते, इनकी शान के खिलाफ होती हैं कुछ चीजें। अच्छा तुम तो चुप की रहो, और सुनो मैं तुम्हारे लिए जोशांदा ला रही हूँ और वो तुमने जरूर पीना है, दारचीनी वाला बनाऊंगी, बहुत आराम मिलता है उससे।
तलाल, अगर कुछ दिन और रुक जाते, कुछ आराम कर लेते। नहीं असद भाई, हॉस्पिटल में बहुत सारे काम हैं, इसलिए जाना पड़ेगा। वैसे मेरा इस्लामाबाद चक्कर लगता रहेगा, आता जाता रहूँगा। कुछ दिन और ठहर जाते, पापा को बहुत तसल्ली हो जाती और दादी को भी। और तुम्हें? तुम्हें तो मेरे जाने से तसल्ली होगी शायद। जी नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। जरूरी नहीं कि हर बात कही जाए। जी जरूरी नहीं कि हर बात कही जाए। असद भाई, तुम्हें अपनी बहादुर बेटी समझते हैं और देखना भी चाहते हैं। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो उन्हें हौसला कौन देगा? तुम असद भाई का वाहिद सहारा हो। मैं एक दिन रुकूं या चार दिन, बहरहाल मुझे तो जाना ही है। हाँ आपको तो जाना ही है, मेहमान जो ठहरे। दादी बिल्कुल ठीक कहती हैं, मेहमान मौसम के बादलों की तरह होता है, बरसता है और चला जाता है। मेरा बच्चा कैसा दिल बर्दाश्ता और नामुराद होकर जा रहा है। लोगों को तो यहाँ सैर सपाटों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, किसी को फिक्र ही नहीं है। मेरे बच्चे का तो दिल तोड़ के रख दिया है। दिल बर्दाश्ता बर्दाश्ता वाली बात तो नहीं थी, जहाँ तक मुझे याद है उनको तो कोई कंपनी से कॉल आई थी और प्रॉब्लम थी वहाँ पे, इसलिए वो वहाँ पे गए हैं। अरे सैफी भाई को तो बता रहे थे, आप वहीं पे तो बैठी थी। तू तो चुप करके बैठ, हर मामले में आके अपनी टांग अड़ा देती है। मोहिब कहाँ है? गया हुआ है बाहर, कह रहा था कि कुछ काम निबटने वाले रह गए हैं, वो करके आता है। और लाला रुख? किचन में है। अम्मी वैसे कोई मुलाजमा ना रख लें हम लोग जो लाला रुख का हाथ भी बटा ले। अरे बेटा हाँ, ये क्यों, दस दस मुलाजमाएं खादमाएं रखो, मैंने कब मना किया है? और वैसे भी जिसका दिल चाहता है मुंह उठाता है चला जाता है, अरे माँ से कौन पूछता है? तानिया प्लीज जाओ देखो। अम्मा माँ देखिए कौन आया। अरे आइए 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 आइए। तुम कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। बैठिए ना। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी आपको? कुछ नहीं, मैंने कहा मोहित जा रहा है तो उसके लिए कुछ मेवे और गिफ्ट वगैरह है। अरे इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, बस आपकी दुआओं की जरूरत है। मैं सबके लिए कुछ इंतजाम करके आती हूँ। लाली कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अरे लगता है आपके आने का सुनकर किचन में फौरन भाग गई है। मोहित इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? हाय बस उसका तो इरादा था 2-4 महीने यहाँ गुजारेगा, मगर वो कंपनी से बुलावा आ गया है। अब क्या करे, जाना तो पड़ेगा। बस जहाँ भी रहे खुश रहे। भाभी भाभी भाभी, वो क्या कहते हैं, आपकी अम्मी और तलाल आ गए हैं। अच्छा, मैं मिलकर आती हूँ। नहीं वो चीज़ें खाली हाथ जाएंगी क्या? कुछ ले जाए ना खाने को। हाँ कबाब तो मैंने रखे हुए हैं, बस बन ही गए हैं। अरे भाभी कबाब मैं ले जाऊंगी, आप मुझे ये बताएं कि उनको पीने में क्या पसंद है। जो तुम बुला दो कि पी लेगा। अच्छा सुनो, इसके बजाय ना अच्छा उसको चाय बना दो, उसको चाय ज्यादा पसंद है। चाय कॉफी बना दो। इतनी गर्मी में कॉफी क्यों पिएगा, वैसे भी उसको कॉफी को खास पसंद नहीं है। अच्छा चलो, एटलीस्ट एक पसंद का तो पता चल गया। आप जाएं, मैं ये कबाब और चाय ले आऊंगी। कबाब में निकाल रही हूँ, चाय के साथ ले आना, बाकी मैं ले जाती हूँ। अरे तानिया बेटा, लाली से कहो ना कि आके यहाँ बैठे, बस माँ को देख के आज किचन में चली गई है। पता नहीं अम्मा आज बड़ी स्लो चल रही है। मैं आई, बुला लो उसे। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हाल है तलाल? क्या कर रही थी बेटा किचन में? आप ही लोगों के लिए किचन में चीजें तैयार कर रही थी। आज आप हमारे गरीब खाने में आए, हमारे घर को तो रौनक बख्श थी। वो क्या कहते हैं, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। शुगर कितनी आंटी? बेटा मैं तो विदाउट शुगर पीती हूँ चाय। शुगर? मैं बस एक ही। इतनी गर्मी चाय पीते हैं आप? वैसे ज्यादा मीठी चाय पीने से ना करवाहट कम होती है, मिजाज की भी। आपको मेरे मिजाज की बहुत खबर है। चाय खबर तो रखनी पड़ती है, मगर इतने फासले से किसी को कैसे जाना जा सकता है, उसके लिए तो करीब आना पड़ता है। अम्मी वो बहुत बेकार लड़की है, प्लीज। हाँ यहाँ तो सारी बेकार बैठी हैं,
चारा में तो सारी पिंडी चली गई है। मुझे तो बस रोशाने की फिक्र लग गई है। रोशनी की क्या फिक्र? वो मेरे तलाल की अमानत है। बस अब ये लाली जजगी से फारिग हो जाए तो हम दोनों पिंडी आएंगे। खैर से बस ये दिन गुजर जाए। मुझे इसी बात का अंदेशा था। सैफ के तेवर अस्पताल में देखकर ही मैंने अंदाजा लगा लिया था। और तुम्हें तो मैं तुम्हारी सास के दबाव में आकर यहाँ लेकर आई हूँ बेटा।